एक ऐसे हाथी की कहानी जिसे सुनकर पत्थर से पत्थर दिल इंसान की भी आंखों से आंसू निकलने लगेंगे। 1960 में अमेरिका के एक स्पार्क्स वर्ल्ड फेमस शोज नाम के सर्कस में मैरी नाम की हाथी हुआ करती थी और इस सर्कस की मेन अट्रैक्शन भी यही थी, जिसके करतब को देखने के लिए लोग दूर दूर से आया करते थे और इस सर्कस के केयरटेकर के साथ इस हाथी का काफी लगाव हुआ करता था। लेकिन इस सर्कस के मालिक के साथ केयरटेकर का झगड़ा हो जाता है और वह सर्कस छोड़कर चला जाता है और मैरी के लिए एक नए ट्रेनर को लाया जाता है, लेकिन वह बहुत ही जालिम होता है जो कि मैरी को बात ना मानने पर मारता था। और एक दिन मैरी का रोड शो था जिसमें मैरी का ट्रेनर इस पर बैठा था, तभी इस हाथी को रोड पर कुछ खाने के लिए दिखाई देता है और वो भागकर खाने के पास चली जाती है। तभी मैरी का ट्रेनर इसको रोकने के लिए इसे नुकीली चीज से मारता है जिससे मैरी के जिस्म से खून निकलने लगता है और वो अपने ट्रेनर को पैरों से कुचलकर मार देती है। और फिर लोगों के कहने पर वहां की सरकार मैरी को फांसी की सजा सुना देती है और इसे फांसी दे दी जाती है। लेकिन पहली बार मैरी गिर जाती है और इसकी गर्दन टूट जाती है, लेकिन इसे दोबारा उठाकर फांसी दी जाती है।